हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 10 वोकैबुलरी। ठीक, तो देखते हैं कौन सी है वो 10 वोकैबुलरी जो आज मैं आपको कराने वाला हूं। सो नंबर वन दोस्तों, आज की नंबर वन है फोरे, FORAY, फोरे। एंड द मीनिंग ऑफ फोरे इज इन्वेजन, INVASION, इन्वेजन, अटैक या फिर रेड। हम बोलते हैं ना हिंदी में कि कहीं रेड पड़ी है, तो वही रेड, इन्हीं सब को हम लोग कहते हैं फोरे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकता हूँ आपसे, देयर वॉज अ फोरे इंटू एनिमी टेरिटरी। देयर वॉज अ फोरे इंटू एनिमी टेरिटरी, एक अटैक किया गया कहाँ पे, एनिमी की टेरिटरी में, शत्रुओं के गढ़ पे अटैक किया गया। दिस इज व्हाट वी कॉल देयर वॉज अ फोरे इंटू एनिमी टेरिटरी। इज इट क्लियर? नंबर सेकंड है दोस्तों हमारी कॉन्फिडेंट। ये कॉन्फिडेंट वो वाला कॉन्फिडेंट नहीं है ENT, ये है ANT, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। एंड द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंट इज फैमिलियर या इंटीमेट। फैमिलियर होना किसी से या इंटीमेट होना इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट। एग्जाम्पल, ही इज अ ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रेजिडेंट। ही इज अ ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रेजिडेंट, वो प्रेसिडेंट का एक बहुत कॉन्फिडेंट बंदा है। इट मींस इंटीमेट बंदा है। व्हाट इज दैट इंटीमेट? एक ऐसा इंसान जो कि किसी के बहुत करीब हो, जो सीक्रेट्स जानता है और अपने पास रखता है। दिस इज व्हाट वी कॉल कॉन्फिडेंट, राइट? नंबर थर्ड है दोस्तों एबिसमल। एबिसमल, ABYSMAL, एबिसमल। एंड द मीनिंग ऑफ एबिसमल इज एक्सट्रीमली बैड और पुअर। एक्सट्रीमली बैड एंड पुअर। Example, he was living in abysmal condition. He was living in abysmal condition. वो कैसी condition में रह रहा था? वो बहुत ही abysmal, बहुत ही गंदी condition में रह रहा था, जो कि फटी पुरानी condition थी, बहुत ही गरीबी वाली condition थी, उसी को बोलते हैं हम लोग abysmal. ठीक, नंबर फोर है दोस्तों stumble, STUMBLE, stumble. And the meaning of stumble is to walk in a awkward way, to walk in a awkward way. एक ऐसे वे में चलना जो बहुत ही अजीब वे हो, लड़खड़ाते हुए चलना, गिरते पड़ते चलना, this is what we call stumble. Example, I stumbled on the uneven pavement. I stumbled on the uneven pavement. I stumbled, मुझे ठोकर लगी उबड़ खाबड़ रास्ते पर। Uneven मतलब जो even ना हो, जो समतल ना हो, and pavement मतलब रास्ता। तो दोस्तों मुझे उबड़ खाबड़ रास्ते पर क्या लगी, ठोकर लगी। तो इस ठोकर को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम इसे कह सकते हैं stumble, right? नंबर फिफ्थ है दोस्तों आज की mire, MIRE, mire. एंड द मीनिंग ऑफ mire इज थिक एंड डीप मड। थिक एंड डीप मड मतलब कीचड़ को कहते हैं mire, दलदल, right? Example, we can give an example. The company has been mired in the legal problems. The company has been mired in the legal problems. Company जो थी दोस्तों वो फंस गई थी legal problems में, right? Mired का means हम लोग कीचड़ से नहीं ले सकते, mired का means हम फंसने से भी ले सकते हैं। यदि कोई कहीं फंस गया तो उसको भी हम mired बोलते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि company जो थी वो किस में फंस गई थी, लीगल प्रॉब्लम्स में। तो लीगल प्रॉब्लम्स में फंसना कहलाता है मायर्ड, राइट? नंबर सिक्स है दोस्तों ग्रज, GRUDGE, ग्रज। एंड द मीनिंग ऑफ ग्रज इज हेट या डिसलाइक, किसी को नापसंद करना या फिर किसी से नफरत करना कहलाता है ग्रज। ठीक, एग्जाम्पल, आई डोंट ग्रज, मैं जलता नहीं हूँ, मैं नफरत नहीं करता, पेइंग माई शेयर, यदि मैं अपने शेयर को क्या करूँ, पे करूँ किसी को, मैं किसी के संग बांटूँ, तो मुझे जलन नहीं होती। दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रज। वन मोर एग्जाम्पल, आई डोंट ग्रज हर द अपॉर्चुनिटीज शी हैज़ बीन गिवन। मैं उस बंदी से जलता नहीं हूँ, उसे जो भी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं मैं उन अपॉर्चुनिटीज से नहीं जलता। दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रज, राइट? नंबर सेवन है दोस्तों insurgent, INSURGENT, insurgent. And the meaning of insurgent is revolter, revolter या फिर rebel.
विद्रोह करना या विद्रोह करने वाला. एक्चुअल में इंसर्जेंट एक नाउन है तो इसका मतलब होगा विद्रोह करने वाला, इज कॉल्ड इंसर्जेंट. राइट, एग्जाम्पल, इंसर्जेंट्स आर ट्राइंग टू गेन कंट्रोल इन द कंट्री. इंसर्जेंट्स जो लोग हैं, जो विद्रोह करने वाले लोग हैं, वो कंट्री पे अपना कंट्रोल करना चाह रहे हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल इंसर्जेंट. राइट, नंबर एट. नंबर एट है दोस्तों ब्रेक थ्रू. ब्रेक थ्रू एंड द मीनिंग ऑफ ब्रेक थ्रू इज अ सडन चेंज. एक अचानक होने वाला चेंज कहलाता है ब्रेक थ्रू. राइट, एग्जाम्पल, देयर वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन डीएनए रिसर्च. देयर वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू इन डीएनए रिसर्च. डीएनए की एक रिसर्च हुई, उसमें पाया गया बहुत बड़ा डेवलपमेंट, बहुत बड़ा चेंज पाया गया. राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रेक थ्रू. गाइज, ब्रेक थ्रू जो वर्ड है ये बहुत पॉपुलर वर्ड है. किसी भी चीज़ में जब आप अचानक कोई डेवलपमेंट पाते हैं या फिर बहुत बड़ा चेंज पाते हैं, सो दिस इज व्हाट वी कॉल ब्रेक थ्रू. क्लियर. नंबर नाइन. नंबर नाइन है दोस्तों सल्क. एस यू एल के, सल्क. एंड द मीनिंग ऑफ सल्क इज टू बी एंग्री. किसी से गुस्सा होना कहलाता है सल्क. राइट, एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन सल्किंग ऑल डे. शी हैज़ बीन सल्किंग ऑल डे. वो पूरे दिन गुस्सा रही, वो पूरे दिन एंग्री रही, गुस्सा रही. दिस इज वॉट वी कॉल सल्क. एंड द लास्ट, आज की लास्ट है दोस्तों एक्रीमनी. acrimony, एक्रीमनी. एंड द मीनिंग ऑफ एक्रीमनी इज हेट या फिर एंगर. नफरत करना या फिर गुस्सा करना किसी पे. दिस इज वॉट वी कॉल एक्रीमनी. क्लियर सेंटेंस. द डिस्प्यूट कंटिन्यूड विद इंक्रीज्ड एक्रीमनी. जो विवाद था उसके अंदर और शत्रुता बढ़ गई, उसके अंदर और कड़वापन बढ़ गया. दिस इज व्हाट वी कॉल एक्रीमनी. क्लियर. सो ये थे दोस्तों हमारे आज की 10 वोकैबुलरी. मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हुई होंगी. सो गाइज, सेम थिंग, यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू मेक 2 सेंटेंसेज अमंग दोज ऑल वोकैबुलरीज. राइट दोस्तों, इनमें से किसी से भी आप कोई भी दो वर्ड छांट सकते हैं और उधर से आपको 2 सेंटेंसेज बनाने हैं. एंड देन यू हैव टू सेंड ऑन माई कॉमेंट बॉक्स. दिस इज ऑल डन फॉर टुडे. थैंक्स फॉर टुडे दोस्तों. स्टे हैप्पी, स्टे हंग्री एंड स्टे सेफ एट योर होम. नमस्कार.